हाय यार, मैं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो मेरा इससे पहले का बैच गया, उस बैच में मुझे क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ। वैसे प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, तो इस बात पे यार अपना अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरा एक्सपेंस क्या क्या हुआ, खर्चे क्या हुए, क्या क्या हुए, फिर बात करेंगे यार प्रॉफिट कितना हुआ, कैसे कैसे क्या टोटल मेरा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद लास्ट में कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करेंगे, जैसे FCR, मोर्टेलिटी, PI, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अपना अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो। तो सबसे पहले बात करता हूँ यार एक्सपेंस की, यानी कि मेरे खर्चे क्या क्या हुए हैं। तो सबसे पहले जो मेरा खर्चा था वो खर्चा था चिक्स के ऊपर। तो चिक्स की जो मुझे कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी थी, ये मुझे चिक्स जो आया था वो 35 रुपये का आया था। तो 35 रुपये के 500 चिक्स मंगवाए थे, तो ये 510 चिक्स आते हैं, आप भी जानते हैं 2% एक्स्ट्रा आता है। तो 500 चिक्स की जो मुझे कॉस्ट पड़ गई वो पड़ गई मेरी 17,500 रुपये। ओके, 17,500 रुपये मेरी चिक्स की कॉस्ट पड़ गई। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ फीड की, तो फीड में मैंने, जैसा कि आप लोगों को पता है, कि सगुना का फीड यूज कर रहा था और सगुना का फीड मैं जाके गोंडा से जाके लेके आया था। बहुत ही हैवी काम था यार गोंडा से जाके लाना, लेकिन हिम्मत करके गया। और तो लैंडिंग कॉस्ट मेरी पड़ी थी 1668 रुपये, यानी कि 1668 रुपये पर बैग, यानी कि 1668 रुपीज़ पर बैग की मेरी कॉस्ट पड़ी थी। तो उसका अगर मैं निकालते हैं पर, ये तो हो गई पर बैग की कॉस्ट, अगर उसको पर केजी के देख लेते हैं तो पर केजी मेरा पड़ जाता है 33 रुपीज़ 36 पैसा, यानी कि 33 रुपया 36 पैसा मेरा टोटल पर केजी का कॉस्ट पड़ जाता है। अब मैं बात कर लेते हैं कि मैंने अपने बर्ड लोगों को फीड कितना दी है। तो अपने लोग जो बर्ड लोगों को फीड दी है वो मैंने दी है 1471 केजी, यानी कि 1471 केजी अपने बर्ड लोगों को मैंने टोटल फीड दिया है। तो अगर उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 33.36 से, तो हो जाता है 49,072 रुपीज़ 56 पैसा, यानी कि 49,072 रुपया और 56 पैसा मेरा खाली फीड का कॉस्ट पड़ जाता है। अब चलते हैं वैक्सीन कॉस्ट की तरफ। तो वैक्सीन कॉस्ट की अगर बात कर लेता हूँ, तो वैक्सीन कॉस्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये पड़ी है। वो क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 6वें दिन की जो वैक्सीन की थी, सिर्फ और सिर्फ 6वें दिन की वैक्सीन की, 14वें दिन की और 22वें दिन की वैक्सीन नहीं की, जो मैंने गलत किया था, मुझे करना चाहिए था। तो सिर्फ ये वैक्सीन किया था, 6वें दिन की वैक्सीन किया था, वो भी आई ड्रॉप किया था। तो उसमें वैक्सीन टैबलेट का भी खर्चा बच गया और सारे खर्चे मेरे बच गए। तो सिर्फ 70 रुपये मेरा वैक्सीन का कॉस्ट आया, क्योंकि मैंने सिर्फ एक वैक्सीन की और मुझे दोनों वैक्सीन, बाकी दो वैक्सीन भी करनी चाहिए थी। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ मेडिसिन और सप्लीमेंट का खर्चा क्या, तो मैं आप लोगों को थोड़ा कंफर्म करना चाहूँगा, मेडिसिन किसे कहते हैं? मेडिसिन जो मैं इन लोगों को देता हूँ, एंटीबैक्टीरियल जो देता हूँ, वही सिर्फ मेडिसिन है, बाकी सब के सब सप्लीमेंट है। जैसे कि मैं इन लोगों को देता हूँ एनाबोलाइट मिक्स देता हूँ, ग्रोटॉन देता हूँ, विरबैक ये देता हूँ, विमरॉल देता हूँ, या फिर यूरोफ्रेज देता हूँ, ये सारे सप्लीमेंट हैं। मेडिसिन वही है सिर्फ, और जिसको आप ऐसे मेडिसिन के ऐसे एंटीबैक्टीरियल हो गए, यही सिर्फ मेडिसिन है, बाकी कुछ भी मेडिसिन है, बाकी सब सप्लीमेंट है। तो मेडिसिन और सप्लीमेंट का अगर मैं खर्चा जोड़ लेता हूँ तो 630 रुपये हो जाते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो इस बैच में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आई नहीं, सारी प्रॉब्लम लास्ट में जाके आई, तो उसके लिए मैंने कुछ खर्चे भी नहीं किए। अगर उसके बाद कर लेता हूँ मैनेजर की कॉस्ट, जो मेरा मैनेजर है, क्योंकि लेबर तो मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ मैनेजर मैं हूँ और मेरे दो मैनेजर हैं, एक मेरा भाई और एक मेरा वहाँ का मैनेजर है। तो मैनेजर का तो इस बार मेरा भाई था नहीं, तो मैनेजर की सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट चली जाती है, उसको मैं 10 रुपीज़ पर डे के देता हूँ, 500 बर्ड पे 10 रुपीज़, और 1000 बर्ड रहते हैं तो उसको 20 रुपीज़ देता हूँ। तो 500 के हिसाब से उसे मैंने 30 डेज तक पाला अपने बर्ड्स को, तो उन लोग उसका कितना 330 रुपये ये कॉस्ट हो जाती है, बाकी तो उसको जो है बाकी 14वें दिन बर्ड उठ ही गया था, तो सिर्फ 330 रुपये उसको पे करने पड़े। अगर मैं लिफ्टिंग के और कॉस्ट की बात कर लेता हूँ कि जो मेरी लिफ्टिंग हुई उसका मुझे कितना खर्चा पड़ गया, तो लिफ्टिंग का मुझे खर्चा पड़ गया 180 रुपये मेरा लिफ्टिंग का खर्चा पड़ गया। तो ये अगर सबको मैं टोटल कर देता हूँ, जैसे कि चिक्स कॉस्ट, फीड कॉस्ट, वैक्सीन, मेडिसिन, मैनेजर कॉस्ट और लिफ्टिंग कॉस्ट वगैरह मैं टोटल कर देता हूँ, तो मेरा आ जाता है 67,782 रुपीज़ 56 पैसा, यानी कि वही 67,782 रुपीज़ 56 पैसा, यहाँ पे आपको किनारे में भी शो कर दूंगा, ठीक है। अब ये हो गए मेरी टोटल खर्चे इतने हज़ार रुपये के। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल क्यों हुआ कि मेरा जो है खर्चा इतना कम आ गया, कम खर्चा इस वजह से आया क्योंकि मेरा फीड कॉस्ट बच गया, क्योंकि ये फीड कॉस्ट मुझे 1700-1800 का जो फीड पड़ता था वो मेरा काफ़ी कम हो गया, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा हो गया मेरा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं यार बर्ड के, तो मेरे 510 बर्ड थे जिसमें से 26 बर्ड मर गए, ओके 26 बर्ड मर गए, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद 2 बर्ड को मैंने सदका किया, जो जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं हर बैच में बिना सदका किए मेरा कोई बैच ख़त्म नहीं होता, तो 2 बर्ड सदका किया। और इस बैच में मैंने 5 बर्ड जो है थोड़ा सा मतलब गिफ्ट किए, क्योंकि थोड़ा इधर उधर भी जाना था, तो 5 बर्ड गिफ्ट कर दिए। तो मेरे टोटल नॉन प्रॉफिटेबल जो बर्ड हो जाते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल बर्ड होते हैं मेरे 33 बर्ड ऐसे थे जिन पर मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, मर गए सदका और
गिफ्ट, ये हो गया। टोटल बर्ड जो मेरे बिके वो हैं 477 बर्ड, यानी कि 477 बर्ड्स मेरे सेल हुए। तो इनका जो एवरेज बॉडी वेट आया है वो आया है 968 किलो 84 ग्राम, यानी कि 968 केजी 84 ग्राम इनका टोटल बॉडी वेट था मेरे सारे बर्ड का, जो 477 बर्ड थे। अगर मैं सेलिंग कॉस्ट की बात कर लेता हूँ कि कितने रुपए में मेरा पर केजी बर्ड गया है, तो जैसे कि जैसे होली चल रही थी तो होली में 110 रुपए का बेचा, उसके बाद 105 रुपए का बेचा, 100, 95, 94, 90 इतने रुपए का बेचा, बस लास्ट में जाके जो मेरी लिफ्टिंग हुई वो 84 रुपए की लिफ्टिंग हुई है। तो अगर मैं सबको एवरेज में ले लेता हूँ तो एवरेज मेरा आ जाता है 85 रुपए 26 पैसा, यानी कि 85 रुपीज़ 26 पैसा में मेरा एवरेज जो है पर केजी बर्ड गया है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अपने टोटल जो मेरे बर्ड हैं, टोटल बर्ड टोटल बॉडी वेट जो मेरा आया था वो 968 किलो 84 ग्राम आया था, अगर उसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो इसका टोटल अमाउंट आ जाता है 82,603 रुपया और 29 पैसा, यानी कि 82,603 रुपीस और 29 पैसा ये मेरा टोटल कॉस्ट आ जाता है जो मुझे मिला। अब इसमें से अगर मैं अपना एक्सपेंस घटा देता हूँ तो एक्सपेंस है मेरा 67,782 रुपीस 56 पैसा। अगर मैं इसे घटा देता हूँ तो एवरेज जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो 14,820 रुपया या उसके बाद 73 पैसे का आ रहा है। लेकिन ये 14,820 रुपीज़ और 27 पैसा जो है, इसके बाद जो है मुझे मैंने अपने ये भी बेचा, बैग जो होता है जो मेरा बैग जो फीट का बैग आता है वो भी बेचा, करीब 20 बैग मैंने इसमें बेचे जिसका मुझे 200 रुपीज़ आया। तो जो मेरा जो कॉस्टिंग है, जो मतलब प्रॉफिट है मेरा, वो प्रॉफिट जो है मेरा 15,000 तक चला गया। यानी कि इस बैच में ये एक पहला बैच है जिसमें मैंने बर्ड को काट के नहीं बेचा, उसके बाद भी मुझे जो है 15,000 का प्रॉफिट आया, और ये सब जो है सिर्फ फीड की वजह से हुआ है क्योंकि फीड मुझे सस्ते में मिल गया। तो यार ये सारी तो बातें होंगे प्रॉफिट लॉस की, तो अब बात कर लेते हैं यार कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल टर्म्स में सबसे पहले आता है एवरेज बॉडी वेट। तो मेरा जो एवरेज बॉडी वेट आया है वो आया है 2.03, यानी कि 2.03 मेरा जो है एवरेज बॉडी वेट आया है। अगर एवरेज सेलिंग की बात कर लेता हूं, एवरेज सेलिंग पर केजी क्या गई है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया 110, 105, 105, 190। तो अगर एवरेज की बात कर लेता हूँ तो 85 रुपए 26 पैसे की मेरे एवरेज सेलिंग कॉस्ट गई है। अगर एक टोटल बॉडी वेट की बात कर लेता हूँ तो 968 केजी 84 ग्राम मेरा टोटल बॉडी वेट गया है, जो भी मैं सेलिंग कॉस्ट, जो भी सेलिंग टोटल सेलेबल बर्ड हैं उनके। अगर लिक्विडेशन की बात कर लेता हूँ, लिक्विडेशन मतलब ये होता है कि कब आपके बर्ड जो है पूरी तरह से बिक गया। तो बहुत ही छोटे बर्ड जो, बहुत ही कम बर्ड जो है पहले बिके थे, लेकिन जो मेरा बहुत ही ज़्यादा बर्ड जो मतलब मास बर्ड मैंने बेचा है, जो सारे बर्ड जो मैंने बेचा है वो 34वें दिन पे बेचा है, कि 34वें दिन पे मेरे सारे बर्ड खत्म हुए थे। तो मीन एज जो है मैंने 34वें दिन पे लिया है। लिवेबिलिटी की बात कर लेता हूँ, यानी कि कितने बर्ड जिंदा थे, तो जो जिंदा बर्ड थे वो थे 95%। मोर्टैलिटी की बात कर लेता हूँ तो मोर्टैलिटी में आते हैं 5% बर्ड जो मेरे डेड हुए, और उसमें भी जो मैंने सिर्फ 26 बर्ड लिए हैं जो मोर्टैलिटी, जो मतलब जो एकदम से डेड हो गए थे उनको ही लिया है। जो सदका किया, जो गिफ्ट किया, उसे मैं जो है मोर्टैलिटी में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम किसी सब्सक्राइबर ने कहा था जिस बर्ड को आप सदका और गिफ्ट कर रहे उसे आप मोर्टैलिटी में कैलकुलेट ना करो। तो ये बात भी उसकी सही थी, क्या जो सदका कर रहे हो और जो गिफ्ट कर रहे हो उसे मोर्टैलिटी में नहीं कैलकुलेट करना चाहिए। तो मेरे 5% बर्ड जो है मेरे मोर्टैलिटी चली गई। FCR, काफ़ी लोगों की नज़र रहती है कि क्या FCR आया है। तो FCR की बात कर लेता हूँ, तो FCR जो आया है 1.51 का आया है, यानी कि 1.51 का FCR आया है। तो अगर मैं ये बात कर लेता हूँ जो बर्ड मैंने सदका किया है, जो बर्ड मैंने गिफ्ट किया, अगर उन बर्ड की भी क्या बोलते केजीज में जोड़ लेता हूँ तो 1.49 का FCR चला जा रहा है, तो उसको नहीं लेते हैं वो। तो 1.51 का FCR मेरा गया है, बहुत ही अच्छा गया, और 1.54 का दावा था क्या सगुना का, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि जो मेरा प्री स्टार्टर और स्टार्टर फीड था वही सिर्फ 1.5 FCR का था, जो फिनिशर फीड मैंने खिलाया वो 1.6 FCR का था, लेकिन 1.51 का FCR आया, बहुत ही बढ़िया FCR आया। अब बात कर लेते हैं यार PI, यानी कि परफॉर्मेंस इंडेक्स। जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हैं वो लोग PI से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। तो मेरा जो PI आया है वो आया है 375.63, यानी कि 375.63। तो ये मेरा टोटल टेक्निकल टर्म्स की बात हो गई। अब कुछ अपने इस बैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बैच में मैं जो पहले मैं सोचता था कि मेरा 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, अगर मैं 500 बर्ड डाल रहा हूँ तो उसमें मुझे 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन अब उस प्रॉफिट को मैंने बढ़ा दिया है। अब मेरा मानना है कि अगर मैं 500 बर्ड डाल रहा हूँ तो मेरा मिनिमम प्रॉफिट 15,000 रुपये होना चाहिए, क्योंकि इस बैच में अगर मैं 15,000 कमा सकता हूँ तो और किसी बैच में 15,000 कमा भी सकता हूँ, क्योंकि अभी फीड के रेट और भी कम हो रहे हैं। चिक्स महंगे चिक्स मैं डालूंगा नहीं, जो भी 35 से 38 रुपए के ही चिक्स डालूंगा, 35 रुपए के नीचे चिक्स डालूंगा, मैक्सिमम 38 रुपए तक चिक्स डालूंगा, तो ये मेरा प्रॉफिट का
और सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा उसमें। अब मैंने क्या सोचा, 15,000 मुझे मिनिमम प्रॉफिट लेना है। अगर मेरा मिनिमम प्रॉफिट लगभग हर बैच में 15-15,000 आता रहा तो मेरे डैडी काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और 50 साल के हो गए और बचपन की मतलब 8 साल की उम्र से ही काम कर रहे हैं, तो उनके अपने पास बुला लेना चाहिए और उनको जो है अब रिटायर कर देना चाहिए काम से। तो अगर इसी तरह से मेरा प्रॉफिट होता रहा तो अपने डैडी को अपने पास बुलाऊंगा और उनको रिटायर करूंगा। तो आई लव यू डैडी। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और जो भी आप लोगों के कमेंट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दो। गाली वाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी बात है आराम से पूछ सकते हो। तो बस यार, मैं हूँ हुसैन अली खान, आप देख रहे थे द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।